जय हिंद। इस वीडियो में लोग बात करेंगे कि आज शेयर बाजार अचानक क्रैश क्यों हुआ। गाइज, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूंगा और एकदम टू द पॉइंट बताऊंगा तथा आसान भाषा में बताऊंगा कि इस क्रैश के पीछे की असली वजह क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि आज 2 बजे के आसपास RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, और जब उन्होंने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई तभी शेयर बाजार को यह अंदाजा हो गया था कि आज रेपो रेट बढ़ने वाला है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यह मीटिंग अगले माह जून में होनी थी, लेकिन RBI के गवर्नर ने बताया कि चूंकि दुनिया भर में महंगाई अपने उच्चतम स्तर पर है, इसलिए यह मीटिंग आज ही करना जरूरी है। और उन्होंने आज 2 बजे के आसपास जब प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, उसमें उन्होंने क्या क्या चीज़ें कही मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले उन्होंने रेपो रेट 40 बेसिक पॉइंट्स बढ़ा दिया। पहले रेपो रेट 4% के आसपास था, वह बढ़कर 4.40% हो गया है। हालांकि यहाँ रिजर्व रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है, और CRR यानी कि कैश रिजर्व रेशियो भी 50 बेसिक पॉइंट्स बढ़ा दिए गए हैं। अब यह रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट और CRR कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, ये इकोनॉमिक्स के टर्म है। बस आप यहाँ ये समझिए कि जब भी सरकार इसको बढ़ाती है तो इसके पीछे उनकी मंशा होती है महंगाई को कम करना। हालांकि इससे महंगाई कितनी कम होती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल आप यह जान जाइए कि अगर आप EMI भरते हैं तो इस रेपो रेट के बढ़ने से अब आपके जेब पर भारी असर पड़ने वाला है। रेपो रेट बढ़ने से EMI पर डायरेक्ट असर पड़ता है, EMI का जो लोन चुकाना होता है वो महंगा हो जाता है। और RBI के गवर्नर का यह बयान US के फेडरल बैंक की भी आज बैठक होनी है ठीक उसके पहले आया है, जो कि चौंकाने वाला है। आज रात को US का जो सेंट्रल बैंक है, जिसको फेडरल बैंक कहते हैं, वह भी ब्याज दर में बढ़ोतरी कर सकता है। हालांकि दुनिया भर के जो बड़े देश हैं उनके सेंट्रल बैंक ने पहले से ही रेपो रेट बढ़ाए हैं, भारत अब तक नहीं बढ़ाया था। भारत में आज लगभग 2-3 साल के बाद रेपो रेट बढ़ते हुए देखने को मिली है। यहां RBI के गवर्नर ने लॉकडाउन लगने, सप्लाई चेन बाधित होने की भी बात कही है, और उससे भी रेपो रेट को जोड़ा है। गाइज, इन सब बातों को लेकर शेयर बाजार आज धड़ाम हो गया। सेंसेक्स आज लगभग 1450 अंक तथा निफ्टी लगभग 400 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ है। हालांकि बाजार आज खुला तो निगेटिव मूड के साथ ही था, बजार में शुरू से ही गिरावट हो रहा था, लेकिन जैसे RBI के गवर्नर ने बैठक बुलाई उसके बाद बाजार काफ़ी तेजी से गिरा। अब देखते हैं बाजार संभालने में कितना वक्त लगता है। लेकिन सबसे ज़्यादा चिंता की बात उन लोगों के लिए है जो लोग LIC के IPO के लिए अप्लाई करने वाले हैं। हो सकता है ग्रे मार्केट प्रीमियम थोड़ा कम हो जाए या उसको उतना सब्सक्रिप्शन नहीं मिले जितना उम्मीद की जा रही थी। इसलिए ज़रूरत यह है कि जल्दी से जल्दी मार्केट अपना पॉजिटिव मूड में आए और LIC के जो IPO में अप्लाई करने वाले लोग हैं उनको अच्छी लिस्टिंग गेन मिले। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको यह अपडेट पसंद आई होगी, जानकारी मिल गई होगी शेयर बाजार क्यों क्रैश हुआ। अगर मन में कोई भी सवाल है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप मुझे कमेंट में जरूर पूछिए। पर्सनली मुझसे जुड़कर बातें करना चाहते हैं, मुझे Instagram पर फॉलो कर लीजिए। आप हमारे Telegram चैनल से भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।